से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हम आपके पास आते हुए ये कहना चाहते हैं, प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद, तूने हमें बचाया है, धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अब तक संभाला है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु में ही पूर्णता मिल सकती है, मेरे अधूरेपन को ढांप कर आपकी पूर्णता आप मुझे और हम सबको दीजिए, हमारी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा हमारे मन हृदय विचारों का कब्जा लीजिए, आत्मा और सच्चाई से हमारे प्रभु हमारे पिता परमेश्वर की आराधना करने की अगुवाई दो। ये समय पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, मेरे और हमारे सबके विरुद्ध शैतान की हर एक युक्तियों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में डांटते हैं और उनकी योजनाओं को हर एक के जीवन में से निष्फल जाने करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आज प्रभु आप हर एक के साथ व्यवहार करो, बात करो और तेरी मर्जी तेरी इच्छा पूरी हो। आज यदि कोई निराश है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, प्रभु ये समय प्रभु के लिए आशीष का कारण बनने पर यह हमारी प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सच में प्रभु हम कहना चाहते हैं आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। हम अपने आप को आपके सम्मुख लाते हैं, आपको धन्यवाद की भेंट अर्पण करना चाहते हैं। आइए हम मिलकर के गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। Yeah, you should.
रक्षा, तू मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किससे भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई भी ठन जाए उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चित रहूंगा। हालेलुया, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यहोवा की बाट जोहता है हियाबा और तेरा हृदय दृढ़ रहे, क्योंकि वो तुझे छुड़ाने को अत्यंत धर्मी है और प्रेमी है, वो तेरा नाश नहीं होने देगा। हालेलुया, तू मेरा बल और मेरी ढाल है, तुझ पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है और मेरा हृदय प्रफुल्लित रहता है। हाँ परमेश्वर, तू अपने डरवैयों की हमेशा रक्षा करता है, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, तू हमेशा छुड़ाता आया है और छुड़ाएगा। Bye.
वचन हमें निर्भीक बनाते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज दुनिया में जो परिस्थितियां चल रही है एक अनसीन वायरस के कारण से प्रभु, कई लोगों के मन में भय है, कई लोगों के मन में डर है कि आने वाला समय कैसा होगा, हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे हमारी जरूरतें पूरी होंगी, कैसे हमारी दिनचर्या होगी। लेकिन प्रभु, हम आपके दासों को याद करते हैं, पौलुस और सिलास को, जब उनको आपके नाम के कारण से बंदी गृह में डाल दिया था, जब उन्हें जेल में डाला गया तब वे दुखी और निराश नहीं थे, जबकि उनको पता था कि अब उनका अंत निश्चित है, अपमान है, चारों तरफ क्लेश होगा, अलग अलग सुनवाई होगी, अलग अलग आरोप लगेंगे। लेकिन वे इसलिए खुश थे क्योंकि उन्होंने यीशु को पा लिया था, उन्होंने सत्य को पा लिया था, उन्होंने जीवन को पा लिया था, और इसलिए उनके जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं था। प्रभु, आज मैं भी हम सब के लिए मांगती हूँ, जिसके मन में आज की परिस्थिति को लेकर डर है, आपके वचन को भेजकर उन्हें छुड़ा लीजिए। तेरे वचन में सामर्थ्य, तेरे वचन में छुटकारा है, तेरा वचन जीवित है। आज प्रभु, जिन्हें भी जरूरत है आज हम बात कीजिए और आपके वचन के अनुसार उन्हें छुड़ा लीजिए। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, तुम हमारा रक्षक है। कुछ बातें प्रभु का आत्मा ध्यान में ला रहा है प्यारों। पौलुस और सिलास को जब बंदी गृह में रखा था, कल क्या होगा वो उनको पता नहीं था, पर वो अपने मन में बहुत निश्चिंत थे। उनको कोई चिंता कल की नहीं थी, क्योंकि वो अपने परमेश्वर और उनके दिए हुए छुटकारे पर भरोसा रखते थे। उनको पता था कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे क्या वायदा किया है। उनको याद था कि यीशु ने वो बातें बोली थी कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग रहूंगा। परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, पर प्रभु का वचन हमें निश्चिंत बनाता है। कल के लिए चाहे जितनी भी बुरी संभावना लगती हो, शायद उनके लिए बहुत बुरी संभावनाएं थी, पर उनका भरोसा यीशु पर था। और जब परमेश्वर के वचनों पर हम खड़े रहते हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं। यार, उनकी तरह ही आज भी, चाहे परिस्थिति हमारे आसपास जैसी भी हो, आने वाला कल चाहे और भी चिंताओं से भरा, भय से भरा हो, और भी बुरे और भारी गलत समाचारों से भरा हो, पर यीशु कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास जो योजनाएं हैं वे लाभ की है, हानि की नहीं है, शांति की है। और प्यारो, उसकी योजना में आइए, हम विश्राम पाए। उसका वचन हमें निश्चिंत करता है। जब उसके वचन पर हम ध्यान करते हैं, जो गाना गा रहे हैं, उसके वचन पर ध्यान करते हैं, तो प्यारो वो चिंताएं हट जाती है। जब वो परमेश्वर की बातों पर भरोसा रखते हुए ध्यान किए थे, उनके मुंह से फरियाद नहीं निकल रही थी, पर परमेश्वर की महिमा निकल रही थी। वहां लिखा है कि वो गाने गा रहे थे, वचन गा रहे थे। इतना अद्भुत परमेश्वर और उसका वचन है जो हमें ना सिर्फ निश्चिंत करता है, पर हमें आनंद से भर देता है, हमें आने वाले कल का सामना करने के लिए ताकत प्रदान करता है। सच में प्यारों, जब भी हम उसके वचन के अनुसार भरोसा करते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, सच में वो हमें सारे भय से छुड़ाता है। वो हमारा छुड़ाने वाला, हमारा रक्षक बनकर
हर पल हर क्षण जहां भी जाए जहां भी रहे चाहे कोई भी कोने में हो परमेश्वर हमें बचाता छुड़ाता जाता है। हालेलुया। आज यदि किसी भी प्रकार का आपके मन में हृदय में भय हो तो आज हम आपसे कहेंगे आप हमारे साथ मिल करके इन लाइनों के साथ विश्वास को जाहिर कीजिए कि यीशु मेरा रक्षक रक्षक मुझे छुड़ाते हैं। आइए हमारे साथ जुड़कर प्रभु की आराधना कीजिए, वो अद्भुत शांति से आपको भर देगा। अगर हो सके तो सिर्फ आप देखिए मत, ये लाइव टेलीकास्ट आप देखिए नहीं पर जुड़िए, ताली बजाइए अपने घर में, आपके घर की दीवारों को परमेश्वर की महिमा के गानों से भर दीजिए प्यारो, स्तुति के उच्चारों से, आपके होठों के अर्पणों से भर दे प्यारो, क्योंकि परमेश्वर आपके बीच में है प्यारो। उसके वचन के अनुसार हम उपस्थित है, वो भी हमारे बीच उपस्थित है। हालेलुया।
दुनिया में जिधर भी नजर करो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ पाप ही पाप है, सिर्फ दुष्टता ही दुष्टता भरी है। उसके बाद एक सुबह आने वाली है, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में।
आएगी, अंधेरा जाएगा, सुबह आएगी। और हमारे जीवन में भी नई सुबह, नई आशीष लेके आएगी। आज जितने भी विश्वास करते हैं मेरे साथ बोलिए आमीन। प्रभु हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। आज जो भी हमारे साथ जुड़े हैं आपने हर एक के साथ बातचीत किया है। जो भी आज की परिस्थिति को लेकर तकलीफ में है, दुखी है, हम विश्वास करते हैं आपने उनके जीवन में छुटकारे को जाहिर किया। आज आपने आपके वचन को भेजकर उनके साथ बातचीत किया है, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे मध्य में हो आपका धन्यवाद।